आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नौशीन, जो यूपीएससी में 9th रैंक हासिल किए हैं। ये बड़ा ही पूर्वांचल के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि अपने ये चौथे अटेम्प्ट में 9th रैंक हासिल किए हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनकी तैयारी रही है और इसका श्रेय किसको देती है। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको 9th रैंक आई है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब तो एक महीने होने को आए तो फीलिंग तो सिंक हो गई है, और फिर अब मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि एक तो पहले ट्रेनिंग अच्छे से करनी हो और फिर इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है, आप टॉप 10 में आती हैं, तो आपकी एक अलग से जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको वो मुकाम जो हासिल है उस मुकाम को मेंटेन करके चलना पड़ रहा होगा। भले ही एक महीना हुआ है लेकिन ये जिंदगी भर रहेगा, कहीं पर भी बात होगी तो टॉप 10 के अंदर है, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? अगर मैं एस्पिरेंस वाला पार्ट देखूं कि जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प के लिए, तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उनकी हेल्प करो। जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको भी मैं बता रही हूँ, और बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल्स अभी बनाया हुआ है अपना, जिसके थ्रू मैं अपने सारे नोट्स वगैरह शेयर कर रही हूँ। और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे लगता है कि सर्विस में आने के बाद शुरू होगी, और उसके लिए भी मैं अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रही हूँ कि जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जो थोड़े वंचित वर्ग जिनको बोलते हैं उनके लिए मैं काम करूँ अच्छे से। आपकी तैयारी जो यूपीएससी की आपने किया, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, फिर फोर्थ में ये मकाम हासिल हुआ, ये किस तरह से तैयारी की और कहाँ से तैयारी किया? पहले दो अटेम्प्ट्स मैंने गोरखपुर से ही दिए थे पूरी सेल्फ स्टडी से, उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट से मैं जामिया आरसीए में थी जो वहाँ पे कोचिंग चलती है, तो उस कोचिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे इस सक्सेस में। जामिया की जो कोचिंग चलती है थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताएं, क्योंकि हमने ये सुना है कि मौलाना आजाद फाउंडेशन भी इस तरह का कोई कोचिंग चलाता है जो यूपीएससी की तैयारी वगैरह कराता है और जामिया भी कराता है, इस तरह के कई इंस्टीट्यूट होंगे और जो आपके नजर में थोड़ा उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी, ये फ्री कोचिंग होती है, बहुत मिनिमल चार्जेस लेते हैं, सिर्फ मेस फीस हमें देनी होती है, बाकी इनका लाइब्रेरी मिलता है, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज मिलती है। तो जहाँ तक मुझे पता है, एक जामिया में आरसीए है, एक एएमयू में आरसीए है, एक हमदर्द स्टडी सर्किल है एक वहाँ है, और एक जामिया हमदर्द का एक आरसी है। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज एससी एसटी विमेन ऑफ एनी कास्ट आर अलाउड, तो ऐसे यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हैं तो इनका एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करना होता है, या तो आप प्रीलिम्स क्लियर करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर जामिया की बात करें तो शायद जामिया में अभी डेट है या खत्म हो गई है, वो लोग जो बच्चे अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कुछ ऐसा है क्या? जी, अभी मैंने जहाँ तक पता किया है वो अभी डेट्स हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, फिर प्रीलिम्स के बाद इनका एक एग्जाम है उसको क्लियर करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे एडमिशन हो सकता है। आपकी ट्रेनिंग जो होनी है वो कब से शुरू होने की एक्सपेक्टेड है? जी, अभी जो लोग ने मुझे बताया है वो सितंबर बोल रहे हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर की देहरादून में होगी। जी, जब आप अंडर 10 आई हैं तो घर वालों का और रिश्तेदारों का, हम उन रिश्तेदारों की तरफ इंगित कर रहे हैं जो कहते हैं कि बच्चियां हैं, बच्ची की तरह रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाए, क्योंकि थोड़ा मुस्लिम फैन में ये थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, तो उनका रिएक्शन क्या था कि जब आप टॉप 10 में आई? अभी तो सारे, अभी तक सारे लोग आ ही रहे घर पे, जो पहले कभी जानते भी नहीं थे वो भी रिश्तेदार हो गए, वो भी रिश्ते जोड़ के आ रहे हैं, तो हाँ, मतलब थोड़ा तो बढ़ जाता है, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक इंस्पिरेशन की तरह काम करें उनके लिए, उनके लोगों के लिए, तो ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट आया तो आपको पता चला होगा, आपने सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले मेरे साथ मेरी मम्मी बैठी हुई थी, तो उनको ही पता चला कि मेरी 9th रैंक आई है, फिर हमने तुरंत पापा को फोन किया, पापा ऑफिस में थे, तो फिर पापा तुरंत आ गए ऑफिस से, तो फिर उसके बाद तो अलग ही माहौल, फिर बहन भाई सब लोग अपने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के घर पे आ गए थे। आपकी वालदा के रिएक्शन 9th रैंक आने पर तुरंत क्या था? मम्मी बहुत रोने लग गई थी, और जितने लोग को फोन करके बता रही थी तो रोते ही रोते बता रही थी, तो आधे लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या बोल रही है, कौन सी रैंक है, कहाँ सिलेक्शन है ऐसा, तो वो तो फिर मतलब बयान नहीं कर सकते उस टाइम का रिएक्शन, मतलब मैं भी हल्का हल्का रो ही रही थी और मम्मी तो बिल्कुल ही रो रही थी। जब आपका सिलेक्शन हुआ उसके बाद आप यहाँ से वापस दिल्ली गई थी, और वहां पर शायद जामिया ने आपको सम्मानित किया था, वो एक्सपीरियंस क्या था कि आप यहाँ से आप भाई एयर आप गई हैं दिल्ली, और वहाँ एयरपोर्ट से आपको हाईजेक कर लिया गया था, तो वो क्या एक्सपीरियंस था, वो क्या बात था?
वो बहुत मुझे खुशी हुई थी क्योंकि अगर मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन में देखूँ तो सबसे बड़ा रोल जामिया आरसीई का ही रहा है, तो उनके बीच जाकर के फिर से मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी वो लोग एक्चुअली एयरपोर्ट पे आए हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर ये बता रही थी कि कैसे इनका सिलेक्शन हुआ और क्या इनका फर्स्ट रिएक्शन था। हमारे साथ इनके वालिद साहब मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जब आपकी बच्ची जब नाइन्थ रैंक आई और उन्होंने जब बताया अपने फोन कर करके, तो उनका ये कहना है कि आप ऑफिस छोड़ करके तुरंत घर पहुंचे, आपकी पहली रिएक्शन क्या था? नहीं, इन्होंने फोन पे जैसे बात किया, बताया कि नाइन्थ मतलब मम्मी ये दोनों एक ही साथ बोल रहे थे कि मोबाइल पे, तो हमको भी लगा कि भाई सिलेक्शन तो हो गया है। फिर हम अपने साथी को बताया कि भाई नाइन्थ रैंक आ गई है और मैं जा रहा हूँ घर पे। और उसके बाद फिर वही एक दो घंटे के बाद मीडिया पूरी आनी शुरू हो गई, क्योंकि गोरखपुर का रैंक मतलब बहुत बढ़िया, मतलब टॉप टेन में आना ही मतलब टॉप जैसे होना, तो यहाँ के गोरखपुर की जितनी मीडिया थी पहुँच गई थी। आपको आपका अंदर से फीलिंग क्या हो रही थी उस वक्त? एक आपकी बेटी जो कि एक फैमिली के अंदर होता है कि महिलाओं को लड़कियों को कहा जाता है कि दहलीज के बाहर ना जाए, और उस वक्त उसने इतना बड़ा मकाम हासिल किया जो गोरखपुर नहीं बल्कि पूर्वांचल नहीं बल्कि पूरे इंडिया में नाम रोशन हुआ, उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी कि आपने जो कदम उठाया जो आज तक परवरिश हुई वो सही डायरेक्शन थी गलत थी, क्या अंदर से फीलिंग हो रही थी? ये तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, और एक दो दिन से नहीं तो 3 साल से आदमी वेट कर रहा था उस चीज को, जब मिला तो बहुत ही खुशी हुई और गला भी रुद आया था कि भाई जो हमने सोचा और जिस तरह मतलब इसने मेहनत की है, और करीब 3-4 साल तो वेट करना ही पड़ा है। हर दिन सुबह या जो भी वक्त था आदमी सोचता ही रहता था, जो भी थी हमारे हाथ में तो था नहीं, पढ़ना इन्हीं को था पूरा, क्या पढ़ना था कैसे पढ़ना था इन्होंने अपने खुद मतलब जैसे जो सब्जेक्ट के जो आंसर्स थे सब इन्होंने अपने मतलब जहाँ से भी मिला इनको एक साथ कलेक्ट किया। लड़कियों की एजुकेशन के बारे में आज आप क्या कहना चाहेंगे? आज क्या है, बहुत पहले से ही है, अगर पढ़ा के मैं यहाँ तक ले आया हूँ तो भाई हम तो भाई बहुत 20 साल पहले से ही हम पढ़ाई के उसमें फेवर में ही थे, और आज क्या बोलना है भाई, अब तो पूरी दुनिया मतलब हमको तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में 50-50 ही हो जाएगा पूरे इंडिया में। तो और इनका ये कहना है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और कहीं भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, आज इनकी परवरिश का नतीजा है कि आज इनकी बच्ची यूपीएससी में 9th रैंक हासिल कर करके एक मुकाम हासिल की है। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से ईएन डेली के लिए।